नमस्ते दोस्तों, एक लंबे समय के बाद जुगनू साहब हमारे साथ आए हैं। वे एक जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, बहुत ही मौजू मामला है और वे आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो क्या शेयर करना चाहते हैं जुगनू साहब? नमस्कार। आज मैं जनता की अदालत में कुछ अपनी दिल की बातें और आपसे कुछ दिल की बातें करने के लिए और सुनने के लिए आया हूं। आज मैं उस महान पर्सनैलिटी के बारे बात करना चाहता हूं जो इतने योग्य हैं, इतने काबिल हैं, जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा वक्त दिया है, जो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों नहीं दिया? यानी कि मेरा मतलब है हिंदुस्तान के ही मैन पर्सनैलिटी धर्मेंद्र साहब, जिनको हम प्यार से धर्मपाल जी बोलते हैं। अब मैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे आपको थोड़ा बता दूं। एक हिंदुस्तान के नौजवान पंजाब का यंग लड़का बॉम्बे में आता है और एक कंपटीशन फिल्म इंडस्ट्री का कंपटीशन में वो अव्वल नंबर पे पास होता है और वो स्टार बन जाता है। और बिमल रॉय, जो कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो उनको पहली फिल्म साइन करते हैं, बंदनी। पर बंदनी कुछ कारणों से लेट हो जाती है। तो उनके एक दोस्त थे हिंगो रानी साहब, वो उनको साइन करते हैं और उनके साथ फिल्म स्टार्ट करते हैं और उनकी फिल्म पहले रिलीज हो जाती है। उसके बाद धर्मजी रुकते नहीं हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि उनके कितने सतरंगी रूप हैं, कितने काबल हैं, कितनी योग्य हैं, उन्होंने कैसे कैसे रोल किए हैं, किस किस रोल को किस रूप में उन्होंने ढाला है। आप एक तरफ उनकी बंदनी देखिए और दूसरी तरफ राज खोसला की फिल्म मेरा गांव मेरा देश देखिए। एक तरफ आप उनकी चुपके चुपके देखिए और एक तरफ आप उनकी ही मैन फूल और पत्थर देखिए। एक तरफ वो क्रोधी करते हैं, एक तरफ वो सत्या काम करते हैं और एक तरफ वो कॉमेडी फिल्म करते हैं। मुझे याद है कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी बड़ी हीरोइन नहीं बची होगी जिसके साथ धर्मजी ने काम नहीं किया, और ऐसा कोई हिंदुस्तान का बड़ा डायरेक्टर नहीं है जिसके साथ धर्मजी ने काम नहीं किया। छोटे डायरेक्टरों के साथ छोटे प्रोड्यूसरों की वो हेल्प करते थे, वो टेक्नीशियन की भी हेल्प करते थे, वो हर आदमी को अपने दिल से मोहब्बत प्यार ऐसा उनके अंदर भरा हुआ जज्बा वो सब में बांटते थे और आज भी बांट रहे हैं। वो जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी इस फिल्म इंडस्ट्री में है, जिसने इतना बड़ा पीरियड इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, मैं आपको एक किस्सा याद दिलाता हूं कि उनके ही मैरो हैंडसम होने की पर्सनैलिटी का। वो दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन थे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, और उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और जब धर्मजी स्टैब्लिश हो गए और दिलीप साहब से उन्होंने मिलना जुलना और उनके हर बर्थडे पे उनको मुबारकबाद देने जाते थे। वो एक बार हंसते हंसते दिलीप साहब धर्मजी के गले मिले और उन्होंने कहा, धर्म मैं जब इस दुनिया से विदा लूंगा तो मैं अल्लाह मियां से ये जरूर पूछूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम हीरो क्यों नहीं बनाया। ये है धर्मेंद्र की पर्सनैलिटी। उनके कई सतरंगी रूप हैं, हर तरफ से वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो एमपी भी रहे हैं, वो इतने बड़े स्टार भी रहे हैं और एक बड़ी फैमिली का कुनबा, सबसे बड़ा कुनबा इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के वो हेड हैं। उनके दो बेटे हैं, सन्नी जिसको पंजाब का पुत्र
और धर्म जी को भी पंजाब का पुत्र कहा जाता है। बॉबी ने एक अपना मुकाम बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो अपने बेटे के साथ भी और अपने पोते के साथ भी काम कर रहे हैं। ये हैं धर्म जी। धर्म जी ने हर आदमी का अच्छा और भला सोचा है। उनके सारे रूप एक जैसे थे। जब वो बाहर जाते थे तो धर्म जी, घर में आते थे तो एक फादर, जब पब्लिक से मिलते थे तो एक स्टार, पर इतने हम्बल कि उन्होंने अपना ईगो कभी नहीं रखा कि मैं इतना बड़ा धर्मेंद्र हूं। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिक की अदालत में आकर ये पूछना चाहता हूं, अपनी तरफ से भी पूछना चाहता हूं कि आज तक इतने काबिल, इतनी योग्य व्यक्ति, इतना बड़ा स्टार जिसने सबसे बड़ा पीरियड इस फिल्म इंडस्ट्री में दिया है, उसको आज तक दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों नहीं मिला। मैं हाथ जोड़कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पब्लिक से भी निवेदन करता हूं, सब मिलजुल कर एक आवाज में गवर्नमेंट से कहें कि ये साल का अवार्ड धर्मेंद्र मतलब धर्म जी को ही मिलना चाहिए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है, गवर्नमेंट से भी गुजारिश है। हाथ जोड़कर मैं नमस्कार कर रहा हूं और मैं परमात्मा से ये चाहता हूं कि धर्म जी की सेहत तंदुरुस्त, अच्छी और बढ़िया रहे। वो आजकल अमेरिका में अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए अपनी बेटी के पास गए हुए हैं और बड़ी खुश मजाजी से आपने उनका हर चैनल पे और उनके अपने, वो शायर भी बहुत अच्छे हैं, लिखते भी बहुत अच्छा हैं, और हर एंगल से जो हर फन मौला एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो धर्म जी की है। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।